नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में आज रिकॉर्ड 653 केस, कोरोना ने 9 की ली जान। कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले। नगर पंचायत चुनाव में आने निर्मण में भाजपा, चिड़गांव नेरवा में जीती कांग्रेस। ईवीएम नहीं चली तो पीठासीन अधिकारी को आया साइलेंट अटैक। सोलन के वार्ड 5 में पेश आई वारदात। अब खेलो, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी 50 से 200 लोगों की बंदिश। नियमों की अवहेलना पर होगी FIR। ऊना में युवती की हत्या कर खेत में गाड़ दी लाश। जाडला कोयडी में सनसनीखेज वारदात, सेवादार गिरफ्तार। संगड़ाह की मनीषा की टीवी जगत में धमाकेदार एंट्री। अम्मा के बाबू की बेबी सीरियल में दिखाएंगी अदाकारी। तूफान ने उड़ाई घरों की छतें, लाहौल में हिमस्खलन ने रोका भागा का बहाव। 3 निजी विश्वविद्यालयों को 2-2 लाख का जुर्माना। 30 अप्रैल तक जमा करनी होगी राशि। नगर पंचायतों में निगमों से ज्यादा वोटिंग। निगमों में 62.4% तो नगर पंचायतों में 77.4% मतदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना तेज गति से बढ़ रहा है। बुधवार को पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड 653 नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत प्रदेश में हुई है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 164, सोलन में 143 और हमीरपुर में 62 केस मिले हैं। बाकी जिलों में आंकड़ा इससे कम है। इससे एक्टिव केस भी बढ़कर 4,158 हो गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। नगर पंचायत चुनाव में कुल्लू जिला के आनी में भाजपा ने 5-2 से बाजी मार ली है, जबकि कांग्रेस के गढ़ चिड़गांव में कांग्रेस ने भाजपा को 6-1 से पछाड़ दिया है। नगर पंचायत निर्मण में 6 सीटों पर भाजपा ने बाजी मार ली है। कांग्रेस को यहां केवल 1 ही सीट मिल पाई है। दूसरी तरफ नगर पंचायत नेरवा में कुल 4 वार्डो में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कब्जा हुआ है। और अब समाचार विस्तार से। सोलन के वार्ड 5 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को साइलेंट अटैक आ गया। दरअसल सुबह के समय वार्ड 5 में जब मतदान प्रक्रिया शुरू होनी थी, उस समय ईवीएम नहीं चल पाई। इस कारण ऑफिसर टेंशन में आ गए। काफी समय तक वह मशीन को ठीक करने का प्रयास करते रहे, लेकिन मशीन ठीक नहीं हो पाई। इसके चलते वे डिप्रेस्ड हो गए, जिस कारण उन्हें साइलेंट अटैक आ गया। आनन फानन में अधिकारी को सोलन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर जय शर्मा ने बताया ECG में कुछ समस्या है, अब मेडिकल वार्ड में एडमिट है, इस वजह से अटैक आया है। उधर इस वजह से चुनाव प्रक्रिया में 1 घंटा देरी हुई। SDM ने स्थिति को देख तुरंत प्रभाव से एक अन्य अधिकारी को यहां तैनात किया। बताया जा रहा है पहली ईवीएम मशीन न चलने के कारण दूसरी मशीन मंगवानी पड़ी, लेकिन दूसरी मशीन में भी कुछ देर समस्या आई। इस कारण मतदान प्रक्रिया में देरी हुई, साथ ही मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड 9 में भी ईवीएम मशीन खराब होने के कारण 20 मिनट की देरी हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में COVID-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत इस महामारी के प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति ने सामाजिक, अकादमिक, खेलों, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सभाओं में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। इस तरह से सभी सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों पर ये बंदिशें लग गई हैं। हालांकि इससे पहले केवल शादी और अंतिम संस्कार के लिए बंदिशों की जानकारी 1 रोज पहले दी गई थी। नए जारी आदेशों के अनुरूप कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों और मैदानों की कुल क्षमता के अनुसार केवल 50% और अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे। प्रणाली को अपनाना अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना पर FIR दर्ज होगी। और अब समाचार विस्तार से। जिला ऊना के जाडला कोयडी में मंदिर परिसर में 22 वर्षीय युवती की हत्या कर लाश को मंदिर परिसर के ही पीछे खेत में गाड़े जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हत्या का आरोप मंदिर में ही रह रहे एक सेवादार पर लगा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी से ही जमीन में गड़ी हुई लाश को खुदवा कर बाहर निकलवाया। वहीं युवती की लाश जमीन से बाहर आते ही माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ जहां पुलिस ने हत्या आरोपी को अपने कब्जे में लेकर एक कमरे में बिठा रखा था, वहीं दूसरी तरफ भीड़ उग्र हो गई और हत्या आरोपी को जनता के हवाले
हवाले करने की मांग को लेकर पुलिस से जा भिड़े। देखते ही देखते लोगों ने मंदिर का मुख्य द्वार तोड़ दिया और भीड़ मंदिर परिसर में दाखिल हो गई। डीएसपी एवं युवा आईपीएस अधिकारी सृष्टि पांडे और गगरेट के एसएचओ दर्शन सिंह पुलिस बल के साथ ही उस कमरे के मुख्य द्वार पर डटे रहे जहां आरोपी को रखा गया था, लेकिन आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी जमकर धक्का मुक्की की। बताया जा रहा है 22 साल की युवती पीजी कॉलेज ऊना में पढ़ाई कर रही थी, जबकि अगले ही माह इस युवती की शादी भी तय की गई थी। युवती शनिवार बाद दोपहर करीब 1:30 बजे से लापता बताई गई थी, जिसकी तलाश उसके परिजन समेत सभी ग्रामवासी कर रहे थे। इसी बीच संदेह होने पर ग्रामीणों ने मंदिर के 24 वर्षीय सेवादार विकास दुबे से जब कड़ी पूछताछ की तो उसने युवती का शव मंदिर के ही पीछे एक खेत में दफनाए जाने की बात कबूली और इसी से युवती के गुमशुदा होने के इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। और अब समाचार विस्तार से। दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के दूरदराज उपमंडल संग्रह के छोटे गांव चौरास की टीवी एक्ट्रेस मनीषा सिंह चौहान अब स्टार भारत के टीवी सीरियल अम्मा के बाबू की बेबी में बिंदिया की भूमिका में नजर आएंगी। रात 9:30 बजे यह सीरियल प्रसारित होगा। इससे पहले यह अभिनेत्री स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल इशकबाज में भी छोटे पर्दे पर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी है। इशकबाज में मनीषा के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है। इसके अलावा गत वर्ष विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई उनकी फिल्म कांड को भी लाखों लोगों ने पसंद किया। मनीषा की धमाकेदार एंट्री अब स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले नाटक अम्मा के बाबू की बेबी में हो चुकी है। अभिनेत्री ने अपने फैंस के लिए कुछ झलकियां भी अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसमें वह ट्रेडिशनल अवतार में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस सीरियल में मनीषा अपने पिछले कैरेक्टर से कुछ हटके नजर आ रही हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में मंगलवार देर रात आए तूफान ने खूब तबाही मचाई। इसके साथ ही लाहौल के गवाजंग गायो में हिमस्खलन होने से भागा नदी का बहाव रुक गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को तूफान से कई जगह लोगों के घरों की छतें तक उड़ गई, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला आदि जिलों में बारिश के साथ आए तेज तूफान ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं लोग जब सुबह उठे तो खेतों में पूरी तरह तहस नहस हो चुकी फसल को देखकर महसूस कर रह गए। तूफान आने के कारण कई जगह बिजली भी गुल हो गई, जिसे सुबह विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बहाल किया। वहीं अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए तो यहां पर मंगलवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। डीसी पंकज राय ने बताया, जिला प्रशासन ने हिमस्खलन के बाद लाहौल में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों के साथ सैलानियों को सचेत रहने को कहा गया है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड में शिक्षकों को पूरा वेतन जारी न करने पर शिक्षण नियामक आयोग ने 3 निजी विश्वविद्यालयों को 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। इन विश्वविद्यालयों पर आरोप है कि कोविड काल में स्टाफ को पूरा वेतन जारी नहीं किया गया और साथ ही छात्रों से ली गई सिक्योरिटी फीस को भी वापस नहीं किया गया। इस पूरे मामले पर शिक्षण नियामक आयोग ने जांच बिठाई थी और आयोग ने कोर्ट में भी इन विश्वविद्यालयों को राहत नहीं मिली है। अब इन सभी विश्वविद्यालयों को 30 अप्रैल तक जुर्माना भुगतान करना होगा। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आयोग सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। बुधवार को आयोग ने यह फैसला सुनाया है। विश्वविद्यालयों ने आयोग से कहा था कि जो निर्देश उन्हें दिए गए हैं वह उसका पालन करेंगे। आयोग जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे, लेकिन आयोग ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों से 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और 3 ब्लॉकों की 136 पंचायतों में हुए मतदान प्रतिशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इससे पहले जनवरी माह में हुए 10 शहरी निकायों और 3500 के करीब पंचायतों में मतदान प्रतिशत जहां 80% के करीब था, तो वहीं बुधवार को हुए चुनावों में भी कोविड के मामले बढ़ने के बाद भी अच्छी वोटिंग हुई है। हिमाचल के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में सिर्फ 62.4% मतदान हुआ। कांगड़ा जिला के पालमपुर और धर्मशाला दोनों नगर निगमों में कुल 63% मतदान हुआ है। नगर निगम सोलन में कुल 55.3% मतदान हुआ। नगर निगम मंडी में
72.4% मतदान रहा। उधर नगर पंचायतों में हुए चुनावों में मतदान प्रतिशत नगर निगमों की तुलना में काफी ज्यादा रहा। 6 नगर पंचायतों में कुल 77.4% मतदान हुआ। शिमला जिला में कुल 78.2% मतदान हुआ। सोलन जिला में कुल 78.1% मतदान हुआ। इसके अलावा ऊना जिला में कुल 76% मतदान हुआ। मंडी और शिमला जिला के 3 ब्लॉकों की 136 पंचायतों में प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में सिर्फ 58.8% मतदान ही हुआ। प्रदेश में 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और 3 ब्लॉकों की 136 पंचायतों में कुल 69 कोविड मरीजों ने मतदान की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।